हेलो फ्रेंड्स, जैसा कि आप लोग जानते हैं 11 अगस्त को रक्षाबंधन है, तो चलिए सीखते हैं झटपट तैयार होने वाली मिठाई। इसके लिए हमें दो चीज़ें चाहिए, तिल और मूंगफली। इधर आप देख सकते हैं कि तिल कितना रोस्टेड हो चुका है, ब्राउन सिक चुका है और हमारी मूंगफली भी सिक चुकी है। हमने मूंगफली और तिल को ग्राइंड कर लिया है। ये देखिए कितना फाइन पाउडर बन के तैयार हो चुका है। ये देख सकते हैं कि तिल का कितना फाइन पाउडर बनकर तैयार है। कुछ इस तरह से आपको पीस लेना है, मूंगफली भी कुछ इस तरह से आपको दरदरी पीस लेनी है। इन दोनों को ठंडा होने देना है। इस बीच हमको चाशनी तैयार कर लेनी है। उसके लिए इलायची लेंगे, चाशनी को तैयार करेंगे। दो तार की चाशनी हमें चाहिए। फिर जो इलायची पाउडर हमने पीस के रखा है वो इस चाशनी में हम डाल देंगे और इसको बॉयल होने देंगे। चाशनी जब तक हमारी दो तार की नहीं हो जाती है तब तक इसको कंटिन्यूसली चलाएँगे। चाशनी अच्छे से तैयार हो जानी चाहिए। आप ये सोच रहे होंगे ये बर्तन में क्या रखा हुआ है, तो मैं झटपट आपको बताती हूँ। ये घर का बना हुआ मावा है। तो ये मावा किस चीज़ से बनता है ये भी मैं आपको बता देती हूँ। ये देखिए एक कटोरे में, ये देखिए ये मलाई रखी हुई है, ये मलाई है। इसको हमने मिक्सी में ग्राइंड कर लिया है जिससे हमें मक्खन मिलता है। ये रहा मक्खन। इस मक्खन को जब हम गर्म करते हैं तो हमें गर्म करने के बाद ये मावा मिलता है जिसमें से हम घी निकाल कर अलग कर लेते हैं और नीचे ये मावा बसता है। इसी मावे का यूज़ मैं इस बर्फ़ी को बनाने में करूँगी जो हमारे तिल और मूंगफली से बनने वाली है। ये ठंडा हो चुका है थोड़ा सा, देखिए घी भी ऊपर जम चुका है इसमें। कुछ इस तरह से आप देख रहे होंगे इसमें घी जम गया है। अब मैं इसमें ये पूरा मावा इसमें इसको मिक्स कर दूँगी। तो इसमें घी भी मिक्स हो गया है, मावा भी है, मूँगफली भी है और तिल भी है। तो आप सोच सकते हैं कितनी अच्छी बर्फ़ी बनने वाली है। अब इन चारों चीज़ों को अच्छे से मिक्स कर लेंगे और चाशनी भी हमने मिक्स कर ली है। जिस कढ़ाई में हम चाशनी बना रहे थे उसी में ये चारों चीज़ें हमने मिक्स कर दी हैं। अब हमें क्या करना है, एक बर्तन लेना है, प्लेट लेनी है, उस पर घी को ग्रीसिंग कर देनी है और फिर इसे थपथपा कर जमा देना है और ऊपर से इसमें कोकोनट डाल देना है। जब ये अच्छे से सेट हो जाती है तब हमें एक पिज़्ज़ा कटर लेना है और पिज़्ज़ा कटर से अपना मन चाहा शेप में इसे काट लेना है। आपको अगर स्क्वायर पसंद है शेप तो स्क्वायर में काटना है, अगर आपको ट्रायंगल शेप पसंद है तो ट्रायंगल शेप में काटना है। देखिए कितने अच्छे से ये कट रही है, इसका मतलब ये बहुत अच्छी सेट हो चुकी है। अगर हमारी चाशनी सही बनी होती है तो ये बहुत अच्छे से सेट हो जाती है और अच्छे से कट जाती है। तो देख सकते हैं आप कितने अच्छे से इसकी कटिंग हो रही है। तो यहाँ पर इसको स्क्वायर शेप दिया गया है। तो रक्षाबंधन पे देखिए झटपट आप इनकी दो चीज़ों से ही घर पर मिठाई तैयार कर सकते हैं। केवल आपको तिल और मूंगफली चाहिए। बस इस चीज़ का ध्यान रखिएगा कि आपको तिल और मूंगफली को थोड़ा रोस्ट कर लेना है और उसके बाद ग्राइंड करना है, उससे उसका फ्लेवर बहुत अच्छा आएगा। ये हमारी देखिए कैसे कट के तैयार हो चुकी है। अब मैं आपको इसका एक पीस बताऊंगी, ये देखिए। तो इसे खाकर भी आप देखिएगा बहुत टेस्टी लगती है। रक्षाबंधन की मिठाई बनकर